आपने दो शब्द सुने दाता दयाल जी महाराज के, एक में दाता दयाल उस मालिक की शिफ्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ बताते हैं उस मालिक के पास कैसे जाना है, चींटी बनकर जाना पड़ेगा, मकर या बंदर की तरह जाना पड़ेगा या चींटी की तरह जाना पड़ेगा, अंदर का हिसाब बताया। वो आप लोगों के मतलब की बात नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूँ आज आपको, मुझे बहुत टेलीफोन आते हैं बाहर से भी, विदेशों से भी, भारत से भी, नाम के ऊपर बड़े आते हैं कि हम नाम लिया हुआ महाराज बाबा जी, हमें कुछ पता नहीं लगता, हमें समझाओ क्या करना क्या नहीं करना। मैं आज थोड़ा सा आपको इसके बारे में कहना चाहता हूँ। देखो, ज़िंदगी के हमारे ज़िंदगी के दो पहलू हैं, एक दुनियादारी है, एक गैर दुनियादारी है। एक दुनियादारी जीवन हमारा, जैसे बाल बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, दुनिया में तरक्की करनी है, पढ़ना है, लिखना है, कुछ बनना है ताकि जीवन सुख से बीत जाए, वो एक रास्ता अलग है। उसमें क्या काम करता है, उसमें हमारी मन काम करता है, हमारी बुद्धि काम करती है। मन और बुद्धि से हम, मन विचार को लेता है, बुद्धि उस पर विचार करके चिंतन करती है, फिर आपको उसका हल मिल जाता है कि ऐसे नहीं ऐसे करो। अगर कोई सलाह देने वाला होता तो तुम उससे सलाह ले लेते हो, किसी गुरु को, हर चीज़ के लिए गुरु है। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जो गुरु के बगैर हो सकता है। पढ़ाई लिखाई, टेक्निकल इंजीनियरिंग, क्या कोई भी काम ले लो, गाड़ी चलाने तो भी गुरु धारण करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, गुरु के बगैर कहीं भी सहारा नहीं है। तो दुनिया में भी गुरु चाहिए, एक शिक्षा देने वाला चाहिए, रास्ता बताने वाला चाहिए। इसको कहते हैं दुनियादारी, इसको कहते हैं जो जिस स्वार्थ दुनिया, स्वार्थ जिसमें अपना काम बन जाए उसको स्वार्थी दुनिया कहते हैं। एक है परमार्थिक की दुनिया, दूसरी दुनिया। उसमें दुनिया बहुत गलती पर चल रही है कि नाम ले लो तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे, नाम ले लो बस, जाओ नाम ले आओ, जाओ नाम ले आओ। किसी को नाम का पता ही नहीं है। मैं तो यहाँ तक भी कहने का साहस अब रखता हूँ, मैं हौसला से कहता हूँ कि लोगों को नाम का पता ही नहीं है। और मैं ये भी कह देता हूँ कि मेरे देश में नाम देने वालों को भी नाम का पता नहीं है कि वो नाम क्या है, वो नाम क्या है। मैं आज उसके ऊपर बोलूँगा, क्योंकि मेरा बोला हुआ बहुत से लोग सुनते हैं, जो मुझे सवाल करते हैं वो सुनते हैं और मेरे को फिर वो पूछते हैं कि बाबा जी नाम क्या है, नाम बताओ। आज मैं दाता दयाल जी महाराज का आपको लेता हूँ, शब्द है जग में नाम अमोल रतन है। दुनिया में अगर कोई अमूल्य चीज़ है, दुनिया में अगर कोई ऐसी चीज़ जिसका कोई मूल्य नहीं है, वो नाम है। और जहाँ क्या है मेरे देश में, ये नाम ऐसे दिया जाता है जैसे गाजर मूली दी जाती है, जाओ लाइन में लगो नाम ले आओ नाम। और नाम का भी जैसे मैंने बताया, लोगों ने सत्यानाश कर दिया, धार्मिक संस्था को ही बर्बाद कर दिया, कुछ धर्म को छोड़ा ही नहीं, धर्म है ही खत्म कर दिया, बस क्या मैं कहते हैं मिलावट कर दी, धर्म में भी मिलावट कर दी है। वो नाम क्या है, पहली बात तो ये है कि नाम का अधिकारी कौन है। पहली बात, नाम का अधिकारी वो है जिसने जिसको दुनिया से अपराम हो गया, पहली बात। जा दूसरे नंबर पर, जिस पर गुरु दया कर दे वो नाम का अधिकारी है। वो मैं कैसे क्यों कहा कि मैं बता देता हूँ आप। स्वामी जी कहते हैं, विषयों से जो होए उदासा, परमार्थ की जा मन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, खोजत फिरे साधु गुरु जाके। जिसको दुनिया से अपराम हो गया, दुनिया देख लिया कि जहाँ दुनिया में सुख नहीं है, जहाँ दुनिया में कोई अपना नहीं है, वो इस तरफ आता है। स्वामी जी ने ये कहा, यहाँ 8-10 साल के बच्चों को नाम दिया जाता है, ये बहुत गलत है। और इससे ना बच्चों को पता नाम क्या है, ना वो उसका अभ्यास कर सकते हैं, ना वो इस दुनिया के, ना वो उस दुनिया के, लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं। बाबा फकीर ने कहा कि ये गुरु लोग नाम नहीं दे रहे, लोगों को जहर दे रहे हैं, उनके घरों में झगड़े हैं, नामदारियों के घरों में झगड़े हैं, मेरे सामने आते हैं।
मुझे नाम कैसे मिला, मैं पहले अपनी बात करता हूँ। मैं सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज के संगत में 1956 में आया और मैं सिर्फ जाता था। क्यों मुझे ले आए मुझे नहीं पता, कुदरत ने कैसे उनके पास पहुंचाया। मैं उनके चरणों में गया और मैंने पहचान लिया, उन्होंने मुझे जान गए, मुझे पता लग गया कि यही है सब कुछ। मेरे अंदर से आवाज़ आई और मैंने उनको नहीं छोड़ा। जब मुझे 4 महीने हो गए शब्द पढ़ते हुए महाराज जी के चरणों में बैठकर, तो एक दिन मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी ने मुझे कहा, बेटा जाने से पहले मिल के जाना, मास्टर मोहन लाल के घर की बात है, मुझे मिल के जाना। सारी संगत चली गई, मैं चला गया। मैं कहा, पिताजी आपने मुझे कहा था मिल के जाना। मैं ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हूँ तो हजूर ने मुझे पाँव से देख कर ऊपर तक देखा। देखने के बाद कहते, जा बच्चा जाओ, मेरे को कुछ नहीं कहा। मैं भी बड़ा हैरान हुआ कि पिताजी ने मुझे बुलाया, कुछ कहा नहीं, मेरी बात समझ में नहीं आई। पर मैं जाता रहा, हर इतवार चले जाना और सत्संग शब्द निकाल देने, मैंने गाना, पिताजी ने सत्संग देना, चलता रहा। 3 साल जब पूरे हो गए तो मैं BA में पढ़ता था, तब फाइनल ईयर था और मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। बाहर जाकर घर में बच्चे होते थे, एक मेरे घर के पास ही एक उजड़ा हुआ धार्मिक स्थान था, अब तो वो बहुत आबाद हो गया, तो वहीं मैं पढ़ता था, वहीं बैठे रहना, फट्टे लगा लिए हुए थे ईंटें लगा कर, उस पर लिखते रहना, फिर जब थक जाना तो बस ध्यान में चल जाना, ऐसे ध्यान लगा लेना, थक जाना। नाम तो मिला नहीं था, लेकिन क्योंकि राधा स्वामी शब्द सुना हुआ था तो महाराज जी का ध्यान करना, गुरु तो धारण नहीं किया था लेकिन अंदर से मान लिया था कि यही सब कुछ है। मई का महीना था, गर्मी, और 5:30 बजे होंगे, मई में बड़ी गर्मी होती है। अंदर से एक जज्बा उठा, जैसे खिंचाव होता है ना कि उठ जल्दी उठ, छोड़, चल बाबा जी के दर्शन करने। किताबें वही फेंकी और साइकिल उठाया, मैं रेलवे मंडी 18 में पहुंच गया और कुछ नहीं सोचा, कोई दिमाग में बोझ नहीं है कि महाराज जी आराम कर रहे होंगे, ना कुछ नहीं, बस आया हूँ दर्शन करने। घंटी बजा दी, परमपिता उस वक्त अपने हुक्के में आग डाल रहे थे, हुक्के में चिल्म होती है ना, और वो आग डाल रहे थे। हजूर ने वही चिमटा छोड़ा और वो चिल्म हाथ में है, मेरे सीन वो सामने है, चिल्म हाथ में है, और मेरे हजूर ने आकर दरवाज़ा खोला, महाराज जी ने खोला, गोपाल वहाँ था नहीं शायद। तो जैसे दरवाज़ा खोला तो मैंने ऐसे हाथ जोड़ दिए और मैंने रो कर कहा, पिताजी मुझे माफ़ करना, मुझसे रहा नहीं गया, मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ, मुझसे रहा नहीं गया, मैं तड़प उठा, मैं सिर्फ केवल दर्शन करने के लिए आया हूँ, मुझे माफ़ कर देना। पिताजी ने मेरी तरफ गौर से देखा, मैं बाहर खड़ा हूँ, दरवाजे के इधर खड़ा हूँ, हजूर आगे आए, क्या रहमत हुई मुझे नहीं पता, कैसे ये दया हुई मुझे नहीं पता। हजूर आगे आए और बाएं हाथ में चिल्म है और ये उंगली उठाई, मेरे यहाँ रख दी, यहाँ रखी और मुझे नाम बख्शिश कर दिया, बेटा सिमरन करना है और गुरु तेरा तेरे अंदर है, हमेशा तेरे साथ है। मेरी बात समझ गए? मैं मांगने तो नहीं गया था, मुझे किसने खींचा, वक्त आ गया था, समय आ गया था और समय ने मुझे वहाँ पहुँचा दिया और मुझे वो नामदान बख्शिश हो गया। मेरी बात समझ गए? ऐसे मिलता है नामदान, ये नहीं कि जाके लाइन में लग जाओ, आज नाम लिखाओ तो नाम मिल जाएगा। तब मुझे नामदान की बख्शिश हुई और मुझे साधन करने का ढंग मिल गया और मैं धीरे धीरे उस साधन को करता रहा और अपने अंदर हजूर के दर्शन करता रहा। कैसे मिला? अमोल। कुछ दिया मैंने? कुछ नहीं दिया। क्या दिया? जज्बा, प्रेम, इश्क, वो दिया। जब तक अंदर आपके डिमांड नहीं है, जब अंदर आपके जज्बा नहीं है किसी चीज़ को प्राप्त करने का,
तब तक तुम्हें नाम नहीं मिलना चाहिए। इसलिए दुनिया नाम लेकर बर्बाद हो रही है, किसी को पता ही नहीं नाम कहते किसको हैं। आज बताता हूँ कि नाम से बनता क्या है। उसके बाद मेरी क्या हालत हुई और मैं कहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा जहाँ मैं बैठा हूँ। किसकी दया से? उस नाम की कृपा से, उस दाता की कृपा से। कैसे? पढ़ो। नाम अमोरे रतन है जग में, नाम अमोरे रतन है जग में, नाम अमोरे। नाम मिला तो सब मिला, नाम है सबका सार। वो कहते हैं दाता दया जी महाराज, और यही बात कबीर साहब ने कही, यही बात श्री गुरु नानक साहब जी महाराज ने कही, यही बात संतों ने कही है, संतों ने, गुरु महाराज ने कही है कि नाम क्या है। नाम अगर मिल गया तो दुनिया की हर चीज़ तुम्हें मिल जाएगी, कोई चीज़ रहेगी नहीं। क्यों? क्यों नहीं रहेगी? तुम्हें सब कुछ मिलेगा, क्योंकि तुम जब नाम का सिमरन करोगे और पूरे प्रेम से करोगे और ये समझोगे कि ये पदार्थ मुझे मेरे सद्गुरु ने दिया है, और अपने अंदर चलोगे तो तुम्हें पांच नाम क्या है, पांच नाम पांच स्थानों के नाम हैं, पांच स्थान हैं, ताकि तुम्हारी दुनिया बन जाए। सिर्फ दुनिया बनाने के लिए पांच नाम हैं, ये सार नहीं है। पांच नाम सबका सार नहीं है। सबका सार नहीं, दुनिया का भी और दुनिया का भी, दोनों का सार नाम है। और जो पांच नाम है वो केवल दुनिया का नाम है, ताकि तुम्हारा मन ठहर जाए, तुम्हारी मनोकामना पूरी होती रहे, तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति होती रहे, तुम्हें मन को शांति मिले, और वहाँ आपको पार जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मैं दावे से बात ये कहता हूँ। ये है नाम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इस नाम के स्मरण करने से और उस पुरुष का ध्यान करने से जिसने आपको ये अमोल रत्न दिया है, इस अमोल रत्न के इवज में तुम्हें दुनिया का हर पदार्थ मिलेगा। क्या कहा मैंने अभय कुमार? इस नाम से, जिस नाम की मैं बात करने जा रहा हूँ, वो अमोल है, और उसमें सारी दुनिया आ जाती है। तुम्हारी दुनिया भी बनेगी और तुम्हारा दिन भी बनेगा। आगे चलो, फिर पढ़ो यही लाइन। नाम मिला तो सब मिला, हाँ। नाम है सबका सार, सबका सार है, दुनिया का भी और दीन का भी। आगे पढ़ो। जो कोई सुमिरे नाम नीते, व्याप नहीं संसार। कह दिया दाता दयाल जी महाराज ने, जो इस नाम का सिमरन करेगा उसको संसार तंग नहीं करता, उसका संसार दुखी नहीं होता। क्यों नहीं होता? जब तुम नाम सिमरन करते हो तो दुनिया तो रहती नहीं वहाँ, वहाँ दुनिया कहाँ है? यहाँ तो मुझे आते हैं बाबा जी, हम नाम जपते हैं, कभी हमें वो याद आ जाता है, कभी हमें वो याद आ जाता है, कभी हमें वो याद आ जाता है, हम क्या करें? क्यों? क्योंकि उनको उस नाम से प्यार नहीं है। क्यों? क्यों? इसलिए कि जिसने उनको नाम दिया उस नाम में उसका हित नहीं है, उस नाम में उस देश नाम देने वाले की रेडिएशन नहीं है, उस नाम के देने वाले में वो हस्ती नहीं है जो उसने अपनी उंगली लगाकर मुझे दी, वो उसमें नहीं है। क्या कहा मैंने? मेरी बात को समझो, मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ तो जाओ, नाम बस ले आओ, रेडिएशन तो गुरु की मिली नहीं, वाइब्रेशन गुरु अपने टच तो गुरु ने दिए ही नहीं, तो वो कैसे सार हो सकता है? वो कैसे हो सकते हैं, कैसे पार हो सकते हैं? चाहे एक गुरु से नाम लो, चाहे पांच गुरु से। कल मुझे एक फ़ोन आया, अमेरिका से एक लेडी का फ़ोन आया कि बाबा जी, खेम जी महाराज कल
जूम पर, जूम कोई, मैंने इनके पूछा जूम क्या होता है, जूम पर सत्संग देंगे, आप भी सुनिएगा। मैंने उसको लिखा, पहली बात तो बेटा कि मुझे जूम का ही पता नहीं, जूम किसको कहते हैं, मैं क्या जानूँ जूम क्या होता है, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ इस दुनियादारी के बारे में। और दूसरी बात ये है कि मैं किसी को भी नहीं सुनता, मैं अपने आप को सुनता हूँ। क्या कहा मैंने, मुझे किसी की सुनने की जरूरत क्या है, मुझे बाबा ने किताब दे दी, मेरे मन की किताब दे दी, तो मैं किसी को क्या सुनूं। क्या कहा मैंने, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, मैं अपने आप को सुनता हूँ, मैं अपनी गुरु की बात को सुनता हूँ, मुझे दुनिया की बात सुनने की जरूरत ही नहीं। बेटा तू मुझे क्या बता रही है, तुम सुनो जो सुनना है सुनो, मेरे पास इन बातों का कोई समय नहीं है। क्या कहा मैंने, दुनिया वालों मेरी बात को सुनने वालों मेरी बात को समझो, मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, तुम भटक गए हो, तुम लूट गए, मैं कहूँगा तुम्हें लूट लिया इन गुरुओं ने और इन आचार्यों ने और इन लोगों ने। मैं कहता हूँ कोई मेरी बात को सुने, गुरु महाराज जो भी नाम देते हैं, और अपना भी जीवन बनाए और अपने सत्संगियों का भी जीवन बनाए, तब बात बनेगी, नहीं तो अंत ठीक नहीं होगा। क्या कहा मैंने, ये कहते दाता दयाल जी महाराज, जो को सिमरे नाम को व्यापे नहीं संसार, उनको तो अपने डेरे व्याप रहे हैं, मेरा ये बन जाए, मेरा वो बन जाए, मेरा वो बन जाए, मेरे वो बन जाए, मेरा वो बन जाए। क्या कहा मैंने, तो कैसे हो सकता है। इसलिए मैंने उस लेडी को लिखा, बेटा आई प्लीज डोंट एडवाइज मी टू लिसन एनी बॉडी, आई लिसन टू माई ओन सेल्फ, मैं अपने आप को सुनता हूँ, किसी को मैंने क्या सुनना है। आगे पढ़ो, सुख देवे दुख को हरे काटे कष्ट कले, पढ़ो यही बात, सुख देवे दुख को हरे काटे कष्ट कले। अब दाता दयाल जी कहते हैं कि ये नाम जो अमोल है वो सुख देता है और कष्ट क्लेश खत्म कर देता है, वो दुख खत्म कर देता है। कष्ट क्लेश क्या है, एक दूसरे की चुगली, निंदा, विरोध, ये वो क्या है और क्या है। इन गुरुओं के चेलों को पूछो भाई, तुम्हें नाम लिया, तुम्हारे में ईर्ष्या क्यों है, तुम्हारे में द्वेष क्यों है, वो मैं क्या बताऊं, मैं किसी के क्या बताऊं। मेरे साथ बीती महाराज जहाँ खुले हमसे कहने लगा हूँ आज मैं, मानव दयाल जी महाराज जहाँ गुरु बनकर आए, उनके पहले सुनियो जी महाराज गुरु बनकर आए और फिर मानव दयाल जी महाराज आए, दोनों से मेरी बात हुई लेकिन दोनों के अंदर मेरे लिए नफरत पैदा हो गई। नहीं, सच्ची बात सुनने के लिए तैयार कोई नहीं था। मानव दयाल जी पहले दिन मुझे साथ ले गए ऊपर, कहते कमल जी मुझे पता लगा आप महाराज जी के बहुत क्लोज रहे हैं, आज खाना आप मेरे साथ खाइएगा। मैं ऊपर चला गया, टेबल पर बैठ गए, मुझे उन्होंने दो बातें पूछी। क्या पूछा, कि आज आपने सत्संग सुना। मैं कहा जी मैंने सुना। कुछ आपको बाबा फकीर की बात पता लगी। मैं कहा जी बिल्कुल नहीं पता लगी, क्योंकि आपने बाबा फकीर का नाम ही नहीं लिया सत्संग में, आप तो वो शास्त्रों की ओर चले गए, तुम्हारे मन के ऊपर शास्त्र हावी हैं इसलिए आप संत मत को नहीं जान सकते। ये कह दिया मैंने, पहली बात। दूसरी बात उनको कही मैंने, महाराज जी कृपा करके मंदिर में मत रुकिएगा, बाहर ले लीजिए कमरा कोई, बाहर रहिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने दोनों बातों को मेरी को बुरा माना और हर्ष क्या हुआ आपके सामने है। मेरी बात समझ गए। शब्दानंद जी महाराज, हम सत्संग करते थे इकट्ठे जाना, मैं उनको हमीरपुर भी ले गया अपने साथ, बात समझ गए। तो फिर क्या हुआ, उनको मैं यहाँ मानवता मंदिर में भी लाया, बहुत बुरी तरह से लाया, मना कर महाराज जी आओ ये बाबा फकीर का मंदिर है, यहाँ द्वेष नहीं होना चाहिए। आ गए नहीं बोले। मैंने कहा महाराज जी बोलो, हॉल की बात है, महावारी सत्संग था, सुनो जी महाराज भी थे, बोले ही नहीं, कमल जी आप बोल लो। मैं बोला, उसके बाद वो माधव टोन में रहते थे, उनको पूछ लिया कि महाराज तुसी मानवता मंदिर क्यों गए। फिर मैं तो गया नहीं, मेरी तो लाश गई,
मैं क्या हैरान हो गया, ये कौन सी बात हुई, ये कौन सी बात हुई। खाना खा रहे थे मेरी वाइफ मेरे साथ, तो उसने कहा महाराज जी आज आप उन्हें चलो, मेरे पास जाते थे चार चार दिन रुकते थे वो, चार चार दिन उन्ना में, और फिर मैं उनको ले जाता था घुमाने के लिए। तो कहने लगे आप तो बड़े घर के मेहमान हैं, मैं आपके पास क्या जाऊँ। तो मेरी वाइफ ने कहा हाँ महाराज जी हम बड़े घर के ही मेहमान रहेंगे, बाबा फकीर के घर के मेहमान हैं हम छोटे घर के मेहमान नहीं बनेंगे। मेरी बात समझ गए, ईर्ष्या द्वेष सब होते हुए, ईर्ष्या द्वेष नफरत कहाँ किसके, अंत देखो फिर क्या हुआ। मैं डर गया हूँ, मैं डरता हूँ, मेरा क्या हाल होगा मुझे कि नहीं पता, लेकिन मैं सत्य बात कहता हूँ, सत्य कह रहा हूँ आपको बच्चों, मैं गलत बिल्कुल नहीं कह रहा। अगर तुम्हें ऐ इंसान, अगर तुम्हें मानवता की सेवा करने का मौका मिला है, चाहे आचार्य के रूप में, चाहे गुरु के रूप में, चाहे पिता के रूप में, चाहे माता के रूप में, चाहे बेटी के रूप में, अगर मानवता की सेवा करने का मौका मिला है, ऐ इंसान तू सच्चा होकर सेवा कर, वरना तेरा हाल बुरा होगा। क्या कहा मैंने, इसलिए मैं ये आज ना जाने क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैं लोगों की बातें सुनता हूँ मैं दुखी होता हूँ। लोग दुखी हैं, संत मत को बदनाम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं कि हम गुरु हैं सबसे बड़े, हम गुरु हैं, गुरु कोई नहीं है, गुरु है ज्ञान, गुरु है ज्ञान, गुरु है समझ, गुरु है विवेक, गुरु है अनुभव। और ये मेरे बाबा फकीर ने बार बार कहा, इंसान गुरु नहीं हो सकता। गुरबाणी कहती है बाणी गुरु, गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे। फिर हम कैसे गुरु बन के बैठ गए भाई, हम कौन हुए गुरु बनने वाले। बाणी है गुरु, गुरु की बाणी है, बाणी को पकड़ो। और यही बाबा फकीर कहते थे, मैं मेरे शरीर की पूजा करोगे कहीं नहीं पहुंचोगे। बाबे फकीर नू मनोगे, जो मस्त राम का बेटा ठारा रेलवे मंडी में रहता है, तुम ना दीन के रहोगे ना दुनिया के रहोगे, अबा गबन में फंसे रहोगे। ये कहते थे मेरे बाबा फकीर जी महाराज, मेरी बाणी को पकड़ो। और यही श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कहते हैं, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, बाणी अमृत सारे। हम तो बैठ जाते हैं, टांगे दबाते हैं गुरुओं की टांगे। एक बार की आपको मैं बात बताता हूँ, मैं गुजर कॉलेज का प्रिंसिपल था, मेरे पास एक ऑफिसर आया कहता सर आपको फलां गुरु संत बहुत गुरु बड़े हैं, बहुत बड़ा गुरु है, उसने मैं नाम नहीं लूँगा अब तो ख़त्म हो गया आपको उन्होंने याद किया है। मैं क्या अच्छा कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट रोपड़ में, डिस्ट्रिक्ट रोपड़ में कोई बड़ा डेरा था, बहुत बड़ा डेरा मैंने देखा। तो वो गाड़ी लेकर आ गए, मुझे वहाँ ले गए, तो उनको बताया गया अंदर कुटिया में बैठे थे कुटिया में के प्रिंसिपल साहब आए हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई, बाकियों को कहा तुम जाओ, तो मुझे अंदर बुला लिया। तो उनकी उनकी टांगे एक औरत दबा रही, वो कुर्सी पर बैठे हैं, उनकी टांगे एक औरत दबा रही। तो मैं तो हैरान हो गया देखकर, वो मेरे साथ वो भी बैठ गए। चलो बातचीत की जो करनी थी, मुझे सरोपा दिया उन्होंने, फिर मुझको डेरा दिखाया, हाथी दिखाए, घोड़े दिखाए, बड़ा बड़ा सिस्टम दिखाया, पूछो मत, बड़ा ड्रामा, बहुत कुछ। जब बाहर आए तो मैंने उसको कह दिया, उस जो साथी मुझे लेकर गया था, मैं कह ये संत नहीं है पाखंडी है, इसका भी डेरा ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। और तीन चार साल के बाद सरकार ने उड़ा दिया, ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्यों कहा, क्योंकि मैंने अनुभव किया था कि वो संत नहीं है, वो संत नहीं था, बस उसने एक सर्कल बनाया हुआ था अपना, एक सर्कल, सर्कल बना लो। मेरे बाबा की ने कोई सर्कल नहीं बनाया, किसी को अपने पास एडवाइज़र नहीं बनाया, जिसने एडवाइज़र बनाया फिर गर्क हो गया। क्या कहा मैंने, संत का कोई सर्कल नहीं होना चाहिए, वो अपने आप में रहता है, अपने आप में रहता है। इसलिए मैं भारतवासियों के बारों, भारतवासियों के नहीं, सारी दुनिया के संतों महापुरुषों के
आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आओ मानवता के ऊपर आओ, ये छोड़ो ड्रामे, ये भगवान मिल जाएगा, मन को कंट्रोल करो, ईश्वर मिल जाएगा, वो तो खड़ा है तुम्हारा इंतजार करने के लिए। जिसने खुद ईश्वर को नहीं समझा वो किसी को क्या बताएगा, उसका तो रूप ही कोई नहीं है, उसका कोई रूप ही नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है। बेटे ने गाया है शब्द, वो क्या है, वो क्या है? वहाँ तो चींटी की चाल चलना पड़ेगा अंदर वहाँ पहुँचने के लिए, और वो तुम्हारे अपने अंदर है, बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर है। पढ़ो वही शब्द द्वारा आखिर चार लाइनें, अगर याद हैं तो आपको, आपने शब्द गाया ना, वो क्या नाम है, बड़ा बढ़िया शब्द गाया आखिरी चींटी वगैरह, तो मरकट बनना है, ये बनना पो पढ़ो। मन बना बेहंगम मीन मकर, मरकट बन कर कूदा अंदर, चींटी की चाल चला घट में, घट में चींटी की चाल चला घट में, कहे उठा तू अगम उदासी। गम है कहा कब, वो उस रास्ते से जो अंदर है, उस रास्ते से तुम चलोगे तो एक समय आएगा तुम्हें चींटी की तरह चलना पड़ेगा, धीरे 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 यहाँ पहुँचना पड़ेगा। तो वहाँ जाकर कहा कि तू अगम है, तू अलख है, तू अनाम है, तू राधा स्वामी है। वहाँ जाकर संतों ने कहा कि तू राधा स्वामी है, मुँह से राधा स्वामी करते जाओ, जब पाँच नाम जपते जाओ, जब राम राम जपते जाओ, कुछ नहीं बनेगा। वाल्मीकि जी ने सिमरन किया, उल्टा नाम जगत जग जानी वाल्मीकि भय ब्रह्म ज्ञानी, के वाल्मीकि ने उल्टा नाम जपा, मरा 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 कहा, गलत है गलत है, यहाँ से उल्टा नाम जपा जाएगा, यहाँ से उल्टा मिल ऊपर को, बात समझ गए, राम 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 राम। कौन सा राम? वो राम नहीं जो जन्मा और मर जाए, फैसला कर दिया गुरु नानक साहब जी माँ ने, मेरे सतगुरु बाप कभी सतगुरु नानक साहब जी महाराज ने फैसला किया हुआ है, सो क्यों सिमरे नानका जो जम्मे ते मर जाए, सोई सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए। जो जल और थल में है हर वक्त है, उसको याद करो तो, और वो तुम्हारे चारों तरफ भी है, तुम्हारे अपने अंदर भी है, और हम तो उसमें रहते ऐसे हैं जैसे जल में मीन। कबीर साहब ने यही तो कहा, जल बिच मीन प्यासी मुझे सुन सुन आवे हासी। कहते कबीर साहब कहते, हम इस संसार, ये सागर है संसार, इसमें हम मीन की तरह हैं, मछली की तरह हैं, और हम प्यासे हैं, और मछली जल में रहती हुई प्यासी रहती है। कब तक प्यासी रहती है? जब तक वो उठती नहीं है। बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, मछली जब पानी पीती मुंह से नहीं पीती, वो उल्टा हो जाती है ऐसे, यहाँ बल्ब लगा होता है उसके नीचे, वो खुल जाता है, पानी अंदर चला जाता है, उसको कहते हैं। हमें भी उल्ट चलना है, अगर हमने उसको पाना है, अपनी प्यास को बुझाना है, तो जहाँ से गुरु का दिया हुआ नाम, उसका सिमरन 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 करते हुए असिमरन हो जाना है, वो नाम भी गुम हो जाएगा, और तुम एक हो जाओगे, एक रहोगे, दूसरा वहाँ कोई नहीं है। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। सुख दे दुख को हरे, कहाँ दुख सुख है, दुख सुख किस में है, मन में, और तो नहीं है ना। जब तुम सो जाते हो तो बताओ तुम्हें दुख सुख का पता होता है, तुम्हें पता होता मैं कौन हूँ कहाँ नहीं हूँ, कौन मेरे माँ बाप है, कौन मेरे बच्चे हैं, कौन मेरा मकान है, कहाँ का रहने वाला हूँ, कुछ पता है? वो सोने की हालत है। नाम जपते हुए जागृत रूप में पंड्या जी महाराज कहा करते थे, मैं बाहर में सोया हुआ रहता हूँ और अंदर में जागता हूँ। आहा, क्या बात कही मेरे दाता बाबा फकीर जी महाराज ने, कि मैं बाहर से सोया रहता हूँ दुनिया में, अंदर में मैं जागता हूँ। वो जब अंदर में हम जागते हैं
जब हम मन बुद्धि चित्त अहंकार से आगे चले जाते हैं तो वहाँ ना दुख है, ना सुख है, ना कष्ट है, ना क्लेश है, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है। तुम हो, तुम हो, तुम कौन हो? तुम माल के कुल की अंश हो, और जो तुम अंश हो, तुम्हारा ही रूप, तुम्हारा निज रूप, तुम्हारे निज रूप को संतों ने कहा राधा स्वामी। वो है राधा स्वामी, निज रूप तुम्हारा। वहाँ क्या है? तुम हो या शब्द है, और कुछ भी नहीं है। क्या कहा मैंने? बहुत ऊंची बात कर रहा हूँ, दुनिया वाले सुनेंगे, सुनने वाले सुनेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। वहाँ कुछ है ही नहीं, वहाँ कुछ है ही नहीं। और अंत में क्या है? अंत में फिर क्या है कि तुम भी नहीं रहते हो। वहाँ वो हो जाता है, वहाँ विलीन हो जाता है इंसान, उस विशेष हस्ती में विलीन हो जाता है। जिस हस्ती से वो आया उसी हस्ती में वापस चला गया। काहे का जन्म और काहे का मरण, कहाँ का कौन, कौन कौन कहाँ का, कुछ भी नहीं है। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। सुख देव दुख को हरे, काटे कष्ट करे से, जीवत शांति चित बसे, अंत में सतगुरु देश। क्या है? अंत में सतगुरु देश मिलता है, और जीते जी क्या मिलती? शांति, सुख। जो हो रहा है हो रहा है, उसमें तुम दखल नहीं दे सकते। दुनिया में, दुनिया में ऐसे होता रहा है, होता रहा है, हो रहा है, और होता रहेगा। उसको माई का लाल कोई बदल नहीं सकता। क्यों, क्यों नहीं बदल सकता? इसलिए नहीं बदल सकता कि हमारे विचार, हमारे विचार जो हैं, हमारे ख्याल जो हैं, हमारी सोच जो है, वो इस वक्त इतनी गिर चुकी है हमारे देश के लोगों की, कि ब्रह्मांड जल रहा है, ब्रह्मांड बहुत दुखी है, ब्रह्मांड में सुख नहीं है। किसी को पूछ कर देखो, कोई इंसान मुझे तो सुखी नज़र नहीं आता। कोई किसी से दुखी, कोई किसी से दुखी, कोई किसी से। अब तो रोटी के लाले पड़ गए दुनिया वालों को, रोटी के लाले पड़ गए हैं। तो फिर ब्रह्मांड दुखी है, ब्रह्मांड से कुछ ना कुछ होगा, होगा, होगा। कब होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हो के रहेगा। जब कुदरत थप्पड़ मारेगी, कुदरत थप्पड़ मारती है, तब इंसान हाय हाय करता है। कभी आपने सुना कि राजस्थान में भी बादल फटते हैं? राजस्थान में बादल फटा, दिखाया उन्होंने टीवी के ऊपर, राजस्थान में बादल फटा, और वहाँ ऊँट, बड़े बड़े ऊँट, यहाँ जहाँ उनके पानी, ऊँट उनमें तैर रहे हैं पानी में। ये सच्ची बात है, अभी 15-20 दिन की बात है। वहाँ कभी बरसात नहीं हुई। वहाँ जयपुर में पिछले साल इतना पानी आया कि लोगों की दुकानों में रेता भर गया, कई दिन साफ करते रहे, उल्टा चक्कर चल गया। अब बात समझ गए। और साइंटिस्ट ने ये कहा है, साइंटिस्ट ने ये कहा है, आज से कुछ 10 साल पहले कह दिया था कि 2050 तक पंजाब की भूमि रेगिस्तान बन जाएगी। और बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। कहाँ है ज़मीन में आपके पानी, आपके पानी कहाँ है? नलके गेड़ कर नहाया करते थे हम, नलका गेड़ते थे घरों में, 20 फुट पर, 30 फुट पर पानी। अब आपके ट्यूबवेल 500 फुट नीचे चले गए, कहाँ पानी रहा? क्योंकि हमारी नीतियाँ, हमारे विचार गलत हैं, देशभक्ति के विचार खत्म हो गए हैं। जहाँ देश के प्रति, समाज के प्रति, जनता के प्रति किसी को हित नहीं है, वहाँ नाश होगा, होगा, होगा। तो वहाँ तो यहाँ क्या कहते हैं, नाम जपने वाले को क्या होगा? पर पढ़ो वही लाइन, सुख देव दुख को हरे, काटे कष्ट करे से, जीवत शांति चित बसे, सब है अंत में सतगुरु देश। इसको कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था, जीवन मुक्त, जीवन में रहते हुए वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि जो होना है होकर रहेगा। पहली बात ये, उसको विश्वास हो जाता है कि जो कुछ होना है होकर रहेगा, नंबर वन। नंबर टू, उसको ये विश्वास हो जाता है कि जो कुछ भी मुझसे हुआ
जो कुछ भी आज तक जीवन में मैंने किया वो मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ होना था वो ही कुदरत ने मेरे से करवाया और मैंने उसमें कुछ, मेरा अपना जीवन मैं बता रहा हूँ, मैं कहता हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया, कुदरत ने मेरी उंगली पकड़कर मेरे से काम करवाया, जो भी काम करवाया कुदरत ने करवाया। मुझे नहीं पता क्या होना, कल को क्या होना, परसों को क्या होना, मुझे लीड किया जा रहा, लीड जाते पकड़ कर ले जा रहा, ये करो ये करो ये करो, बाकी कुछ नहीं। और फिर के अंत में क्या हो गया, जब ये बात आ गई समझ में कि मैंने कुछ नहीं किया तो फिर दुख काहे का, फिर सुख काहे का, दुख तो तभी होगा, हाय मैं तो ये हो गया, हाय मैं यह करना चाहिए सी, हाय मेरे बच्चों को ये करना चाहिए था, तो इस बात का क्या, बच्चे आए जिसने लेना मेरे से लेगा, जिसने देना मुझको देगा, क्या कहा मैंने, जिसने लेना है मुझसे वो मेरा गला घोट कर ले लेगा और जिसने मुझे देना है वो बिन मांगे मुझे देगा, इससे परे मैं और क्या कहूँ आप लोगों को। इसलिए फिर किस बात की चिंता, फिर कहे की चिंता, फिर जैसे वो राखे साईं नाथ, मेरे बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे नाथ खसमात, जब आना उन्होंने दाता दयाल जी महाराज के वहाँ स्वरूप के आगे खड़े हो जाना, दाता तेरी मौज, मतलब जो तू करवाएगा वही मैंने करना है, मैं जब यहाँ आता हूँ मैं भी यही कहता हूँ, अब तेरी मौज, घर से चलता हूँ मैं यही कह के चलता हूँ, परम दयाल जी आपकी मौज, जो करवाना करवा लो मेरे से, लेकिन कभी जबान से किसी के खिलाफ मेरे से जबान ना निकले, हाँ सच्ची बात कहने से मैं डरूंगा नहीं, साची बात कबीरा कहे सबके मन से उतरा रहे, साची बात कड़वी होती है लेकिन उसमें हकीकत होती है, जो मैं कहता हूँ मैं ऐसी बात कोई नहीं कहता जिससे किसी का दुख, मैं इसलिए नहीं कहता कि दुखी हो कोई, मैं इसलिए कहता हूँ कि तुम जाग जाओ, बात को समझो, यहाँ आते हो तो यहाँ तो सत्य बात कही जाएगी जो अनुभव की है, और अंत में क्या मिलेगा, सतगुरु देश, सतगुरु का देश क्या है, मानवता मंदिर सतगुरु का देश नहीं है, जा गुरु का डेरा सतगुरु का देश नहीं है, सतगुरु का देश तुम्हारे अपने अंदर है, जहाँ प्रकाश है और जहाँ शब्द है वो है सतगुरु का देश। इसीलिए मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी ने कहा कि सतगुरु तुम्हारे अपने अंदर है, प्रकाश सतगुरु के चरण है और शब्द गुरु का रूप है, यही कहा। और मुझे लिखा था महाराज जी ने, जब मैं रामपुर में था, महाराज की चिट्ठी गई थी, गुरु शब्द को कीजिए बहुते गुरु लवार, अपने अपने स्वाद को ठोर ठोर बटमार, शब्द गुरु है मेरे लिए, परम दयाल जी महाराज का एक एक शब्द गुरु है, मैं उनके शब्द की पूजा करता हूँ, उनका रूप भी ध्यान करता हूँ, इसमें बात नहीं कि दुनिया में रहता हूँ, जब तक मैं दुनिया में हूँ शरीर में हूँ तो शरीर का ध्यान करना पड़ेगा सुख प्राप्त करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए, क्योंकि शरीर में प्रेम है, मन में श्रद्धा है, मन में विश्वास है, शरीर में प्रेम है और मन में क्या श्रद्धा है और विश्वास है, इसलिए उस स्वरूप को तो मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा। और अंत में उनका स्वरूप क्या बन जाता है, प्रकाश और शब्द है, बात समझ गए, वो परम तत्व है, तो अंत में कहाँ जाना है, प्रकाश और शब्द में जाना, यही दाता दयाल जी महाराज कह रहे हैं। अगर तुम पांच नाम का स्मरण करते रहोगे या कोई और नाम का स्मरण करते रहोगे, मन में बैठकर आंखें बंद करके कानों में उंगलियां डाल लो, जो मर्जी करो, वहाँ सतगुरु के रूप में नहीं पहुंच सकते हो, सतगुरु के देश में वो पहुंचेगा जिसके ऊपर दया आदिकर्ता की सोजे नियामत पावे। और वो दया आदिकर्ता की किसके रूप में आती है, गुरु के रूप में आती है, गुरु तुम्हारे सिर पर हाथ रख देता है, गुरु तुम्हारे मस्तिष्क को टच कर देता है, गुरु के पास बैठते हो तुम्हें उनकी रेडिएशन मिलती है। उस लेडी को मैंने लिखा जो जूम की बात करती थी, मैं कह सत्संग गुरु की प्रेजेंस में होता है, टीवी पर नहीं होता, जहाँ उनके सामने जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो, जो सुनो उनको विचारो, जो विचारो दे वह गुनो, वो होता है सत्संग। ताकि मिलता तक जब मैं आते हो तो मुझे लगातार ध्यान से देखो और मेरी बात को पकड़ो, तुम्हारी समाधि लग जाएगी, और लग जाती है, क्या कहा मैंने, लेकिन ये तो
दुनिया में तो एक हजारों लोग बैठे हैं, पता नहीं क्या हो गया है, दुनिया को भीड़ चाल बन गई है, संत मत भीड़ चाल बन गई है। मालिक करेगा दया, कभी ना कभी जरूर मालिक की दया होगी, ये संत मत दोबारा साफ होकर सामने आएगा। आगे चलो। जब तब संयम नियम यम सब है नाम अधीन। अब दुनिया जाप करती है, तप करती है, निजम करती है। निजम क्या है? निजम और क्या है दूसरा शब्द? जप तप संयम नियम यम आजम, वो दो शब्द हैं। एक है निजम, निजम होता है जो हमारे अंदर से बात निकलती है, और एक होता है एक दो शब्द हैं ये जी। जप तप संयम नियम यम अजम यम अजम अजम मीन जो बाहर से ख्याल आता है, एक हमारे अंदर से ख्याल आता है, एक बाहर से ख्याल आता है। मेरे अंदर से ख्याल आ गया, तुमने मेरा ख्याल सुना, ये बाहर से आया, बात समझ गए ना? तो वो यूँ कहते हैं ये वहाँ ख़त्म हो जाते हैं, ना ना अंदर का ख्याल रहता है, ना बाहर का ख्याल आता है, ना वहाँ जप है, ना वहाँ तप है, ना यात्रा है, ना व्रत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। केवल गुरु से प्रेम, गुरु की वाणी से प्रेम, गुरु की वाणी से लगन, और उस पर अगर आप चलोगे तुम्हें क्या मिलेगा? जो मैंने वर्णन किया वो मिल जाएगा। फिर पढ़ो ये नाम, नाम के लिए ये चीज़ें नहीं हैं। नाम के लिए कोई भी ये कर्मकांड, किसी तरह का भी कर्मकांड तुम्हारे काम नहीं आएगा। ये केवल मन के लिए है, ये केवल दुनिया की डिमांड्स के लिए है। तुम किसी भी देवी को मानो, किसी भी देवता को मानो, जहाँ की मर्जी यात्रा करो, जहाँ की मर्जी दान दो, तुम्हारी दुनिया बन जाएगी, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। मनोकामना ये नहीं कि सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, कुछ मनोकामनाएं जो ठीक हैं वो तुम्हारी पूरी होती रहेगी। लेकिन अगर आप चाहो कि जप करके, तप करके, अग्नि जलाकर, यात्रा करके, क्या नाम व्रत रह के, निजमों को पालन करके, सुबह उठ के चढ़ के ये करो, वो करो, वो करो, उससे काम नहीं बनेगा। ये सब नाम के अधीन हैं। नाम इन सब से ऊंचा है। नाम का इस दुनिया के व्यवहार से कोई मतलब नहीं है। ये कर्मकांडी नाम नहीं है। बात मेरी आप समझ गए? आगे पढ़ो, फिर दोबारा पढ़ो यही लाइन। जप तप संयम नियम यम सब है नाम अधीन। सब नाम से नीचे हैं, नाम सबसे ऊंचे, क्योंकि वो अमोल है, उसका कोई मूल्य नहीं है। और वो नाम क्या है? वो नाम क्या है? वो तुम्हारा ही अपना नाम है, तुम्हारा ही नाम है। किसका? किसका? तुम्हारे शरीर का नहीं, तुम्हारे मन का नहीं, तुम्हारी आत्मा का नहीं, जो इन तीनों से ऊपर है वो है नाम तुम्हारा। बाकी शरीर तो जैसे ख़त्म हो जाएगा, हवा निकल जाएगी, सांस आना बंद हुआ, तो वे कह देंगे कौन मर गया भाई? वो मर गया, वो नाम ख़त्म, चल राम राम गया, आग जलाई, चल खत्म होया बात। उसका नाम कौन लेता है बाद में? सनातन धर्म में एक साल के बाद वर्षी मनाते हैं, चार साल के बाद चौरखा मनाते हैं, उसके बाद छुट्टी। बात को कौन पूछता है कौन कहाँ था? कोई नहीं पूछता। लेकिन वो नाम जो है वो अमर है, वो अजय है, वो हमेशा रहने वाला है, वो अविनाशी है। वो नाम सतगुरु तुम्हें देता है कि तुम ये हो, ये नहीं हो। जो तुम्हारा शरीर है ये तुम्हारा नाम नहीं है, ये माँ ने रखा है, बाप ने रखा है, पड़ोसियों ने रखा है। तुम्हारा नाम जो असली है वो यही है। इसलिए सबसे पहले जो शब्द लिखा स्वामी जी महाराज ने, या मैं कहूँगा राय सालग्राम साहब जी महाराज ने, वो यही लिखा है, राधा स्वामी गायकर जन्म सफल कर ले। यही नाम निज नाम तुम्हारा नाम है, यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। राधा स्वामी नाम जो गाए वो क्या हो? वही तरे, कल क्लेश सब नाश, सुख पावे और दुख हरे। पहले बता दिया, अब उसको, उस राधा स्वामी को तुम पता नहीं क्या क्या बना दिया,
मिर्च मसाले लगा दिए, साथ तड़का भी लगा दिया, और कुछ कुछ और पेश करके लोगों को बताया जा रहा है कि ये नाम है, ये नाम है, ये नाम है। मैं क्या कहूँ, दुख होता है बात को सुनकर। आगे चलो। नाम भांति के सिंधु का प्रेमी भक्त है मीन। आह क्या, फिर पढ़ो यही लाइन। नाम भांति के सिंधु का प्रेमी भक्त है मीन। क्या होता है, नाम एक सागर है, भक्ति का सागर है, वहाँ कुछ नहीं है, और जो प्रेमी है वो उसमें मछली की तरह रहता है। बहुत ऊंची बात कह दी दाता दयाल जी महाराज ने। नाम भक्ति का सागर है, सागर जहाँ तुम सब कुछ भूल जाते हो, और जो प्रेमी है वो उसमें मछली की तरह रहता है। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, वो अपने आप में हो जाता है, अपने आप में आनंदित रहता है, अपने निर्भ्रांत हो जाता है, क्या कहूँ, निडर हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निर्भ्रांत हो जाता है। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, वो आनंद में हो जाता है। फिर पढ़ो यही लाइन। नाम भक्ति के सिंधु का प्रेमी भक्त है मीन। और कौन बनता है आप बताओ तो, नाम भक्ति के सिंध का कौन बनता है? नाम जपने बैठे कभी कोई ख्याल, कभी कोई ख्याल, कभी कोई ख्याल, कभी कोई ख्याल, और बाद में कहते हैं नाम नहीं जप, वो सर दिंदे लोग, नाम जपते ही नहीं, क्या मन नहीं लगता जी, की करिए, चल, क्योंकि थोड़ा मन साफ नहीं है, मन कितना लगेगा, आपको मालिक से गुरु से प्रेम ही नहीं है, आपको उस नाम से प्रेम नहीं है। इसलिए कहा है जिन प्रेम की ओ तिन ही प्रभ पायो, वो तो उसी को मिलेगा जो प्रेम करेगा, किससे, उस नाम से जो गुरु ने तुम्हें दिया। ये कहते हैं, फिर पढ़ो यही लाइन, बहुत ऊंची बात है ये। जब तप संयम नियम यम सब है नाम अधीन, नाम भक्ति के सिंधु का प्रेमी भक्त है मीन। वो उसी में रहता है, 24 घंटे नहीं रह सकता वहाँ, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, मैं वहाँ जाता हूँ 2-4 मिनट के लिए, और बता दूँ आपको भेद की बात। गोपाल दास जी को ये हुक्म था महाराज जी का, और उनको जो महाराज के बहुत क्लोज थे, कि महाराज जी अगर बहुत देर तक समाधि में चल जाए तो तुमने जगा देना। 1.5 घंटे से ज़्यादा महाराज जी अगर समाधि में चल जाते थे तो गोपाल दास पाँव से हिला देता था, पिताजी पिताजी उठ जाओ, ताकि वो कहीं वहीं ना रह जाए। बात समझ गए, क्योंकि वहाँ जब इंसान की सुरत वहाँ पहुँच जाती है तो इसलिए आदेश है कि उस जगह पर ज़्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए। एक ये आदेश। दूसरा आदेश जो मुझे दिया गया था, जब मेरा जो अनुभव वहाँ का हुआ तो पिताजी ने मुझे एकदम चिट्ठी लिखी कि बेटा तुमने इस अभ्यास को अब आगे नहीं करना, अभी आपके बच्चे छोटे छोटे हैं, तुम्हारी सरकारी नौकरी है, पहले ये सारे कर्म धर्म पूरे करो, उसके बाद इस लाइन में आना। और उनका हुक्म पूरा हो रहा है, बात समझ गए, कि उनका तो तुम्हें वैराग हो जाएगा अगर तुम इस रास्ते में चल गए, वहाँ ठहरने लगे तो तुम्हें वैराग हो जाएगा, जब दुनिया नीरस लगेगी। तो मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया, और अब उनकी आज्ञा का पालन काम दे रहा है, बात समझ गए। तो इसलिए ये चीज़ें जो इतनी भी हैं, जो संसारिक ड्यूटी को पहले पूरी करो, जो भी तुम्हारी ड्यूटी है पहले दिल लगा कर उस ड्यूटी को पढ़ो, और फिर शाम से थोड़ा बहुत उस नाम का सिमरन कर लिया करो, तुम्हें शांति मिलेगी, सेहत ठीक रहेगी, ख्याल ठीक रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना बंद करो। जितने ज़्यादा लोगों से मिलोगे उतने ज़्यादा दुखी होगे। क्या कहा मैंने, कभी कोई सुनाएगा, कभी कोई सुनाएगा, और मुझे कई लोग तो टेलीफोन उस वक्त करेंगे जब मैं कहीं फॉरेन में बात कर रहा होता हूँ। कल तो मैंने 2 ब्लॉक ही कर दिए, नंबर 2 ही ब्लॉक कर दिए। एक माता टेलीफोन करती थी, बाबा जी मेरा मुँह नहीं ठीक हुंदा, अपने मुँह पूछ लो, ये सामने मैनू अपना आशीर्वाद भेजो। अब बाबा आशीर्वाद भेज देवे भाई, टाक भेजे कितना भेजे, तार ही भेजे कितना भेजे, बाबा आशीर्वाद भेजो,
भेजते होने लोग भेजते होने। मैं कल वो बंद ही कर दिया, मैं दुखी हो गया। मेरा मेलबॉर्न से बात हो रही थी, वो बार बार कहती मैंने ओफो। फिर वो कटिया, मैं उस बेटी को कहा बेटी मैं तुम्हें दोबारा करता हूँ टेलीफोन। दोबारा मैंने किया, पता नहीं क्या हो गया लोगों को, मैनु आशीर्वाद भेजो। वो भेजदा होगा भाई, तभी उसने कहा मैं मेरे मेरे को आशीर्वाद भेजन है नहीं, मेरे को नहीं है। चल आगे चलो। चंचल मन निश्चल बने उपजे हर से बुरा। मन ठहर जाता है, मन की चंचलता खत्म हो जाती है। वो एक ऐसा अमृत कुंड है, वो एक ऐसी स्थान है जहाँ मन में कोई विक्षेप नहीं होता, ठहराव आ जाता है, सागर की तरह ठहराव आ जाता है और बड़ा अंदर आनंद आता है, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। आगे चंचल मन निश्चल बने उपजे हर से उलास, मन में भजे जो नाम को कभी न होए उदास। मन में नाम जपो, मन में एक नाम जपने के कई तरीके हैं। एक है जबान से जाप करना, ये शरीर का नाम है। मन से होता है साइलेंस, जाप करना शरीर का जाप है। जीभ हिलती है ना, राम राम कहो, चाहे वाहे वाहे गुरु कहो, चाहे राधा स्वामी कहो, ये शरीर का जाप है। और मन का जाप है कि चुप, जीभ नहीं हिलाना है, वो मन से है। जब मन ठहर जाएगा नाम सिमरन से, मन ठहरेगा तो शांति मिलती है, आनंद मिलता है, क्या कहा, हर्ष उल्लास होता है, क्या खुशी मिलती है। अगर मन ठहरा ही नहीं आपका, तो मैं तो ये कह दिया करता हूँ कभी कभी, जो कमल का फूल कहाँ खिलता है, तालाब में, जहाँ पानी में कोई हरकत नहीं है, पानी चलता नहीं है, ठहरा हुआ है, कोई हरकत नहीं है, वहाँ कमल का फूल खिल जाता है। ऐसे ही जब हमारा मन ठहर जाता है, आनंदित हो जाता है, उसको कोई अंदर चीज मिल जाती है। और इसलिए कहा मन में जपे जो नाम को, आगे मन में भजे जो नाम को कभी ना हो उदास। नहीं वो होता, उसको पता लग जाता कि मेरे अंदर कोई चीज है। दूसरी बात, ये मन की बात है। फिर आगे आत्मा का भी स्मरण है। आत्मा में जब प्रकाश में हम पहुंचते हैं, वहाँ तरह तरह की आवाज़ें आती हैं, जो संत सुनते हैं उसको वीणा कहते हैं, वीण सुनती है, किसी को सत्य सत्य की वहाँ आवाज़ आती है। ये हर इंसान के अपने शरीर की प्रकृति के मुताबिक है, वहाँ भी ध्वनि है। और फिर आगे एक आता है सुरत का नाम। सुरत का नाम वो है जो उसका अपना नाम है, वो सुरत भी जाप करती है। मेरी बात समझ गए? तो मैंने चार नाम आपको बता दिए, शरीर का जाप है, मन का सिमरन है और आत्मा का भी एक सिमरन है जो सिर्फ आत्मा सुनती है। और फिर हमारी सुरत का है वो नाम जो गुरु देता है, जो वो नाम जो चौथे पद का है, तीन छोड़ चौथा पद दीना, सत नाम सत गुरु गति चिन्हना, वहाँ वो नाम आपको प्राप्त होता है चौथे पद में। वो पहले दूसरे तीसरे दर्जे का नाम नहीं होता है, क्या कहा, बोल, जो सतगुरु नाम देता है। आगे चलो। नाम ते घट में बसे बिरजी भ्याले नाम। फिर कहो। नाम ते घट में बसे बिरजी भ्याले नाम। देखो क्या कहा, वो नाम कहाँ है, दाता दयाल जी कहते वो तुम्हारे अपने घट में है। घट किसको, इसको कहते घट, शरीर में नहीं कहा, मन में नहीं कहा, मन में और कह दिया उन्होंने कि जब मन में नाम सिमरोगे तो उदासी नहीं आएगी, और जब वहाँ पहुँच जाओगे तो वहाँ कहते वो नाम तुम्हारे घट में है, वहाँ बसता है वो नाम, नीचे नहीं है। तीन छोड़ चौथा पद दीना, ये दुनिया तो तीन दुनिया के नाम की बात करती है, वहाँ जाओ नाम ले आओ, वहाँ जाओ नाम ले आओ, वहाँ जाओ नाम ले आओ। पता मैंने समझ नहीं पंजी पे क्या लोगों को हो गया है, जब क्या लोगों को बताया गया है, नाम ले जाओ नाम ले जाओ नाम ले, क्या कहा मैंने।
मैनू नहीं समझ लगी ये क्या खेल क्या हो रहा है दुनिया में। आगे चलो। राम ते घट में बसे बिरज भाले नाम, राधा स्वामी की दया, राधा स्वामी की दया से पूरन हो सब काम, पूरन हो सब काम। फिर क्या होगा जब घट का नाम आप सुनोगे तो पूर्ण सब काम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? अब ये भी मैं बात खोल देता हूँ। हमारी शरीर की दुनिया और है, हमारे मन की दुनिया और है। शरीर और मन की दुनिया काल और माया में है। बात को समझो, बहुत ऊंची बात कहने लगा हूँ। हमारी शरीर की दुनिया और मन की दुनिया काल और माया में है। समय के मुताबिक, वक्त के मुताबिक बदलती रहती है। तुम्हारा शरीर भी बदल रहा है, तुम्हारा मन भी बदल रहा है। क्या कहा मैंने? तो एक दुनिया हमारे शरीर और मन की है, ये बदलेगी। दुख सुख आएगा, उसको कैसे समझते हो ये तो आप जानो। आएगा, जब तक हम शरीर में हैं तब्दीली भी आएगी, बीमारी भी आएगी, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, पड़ोसी भी तंग करेंगे, रिश्तेदार भी कुछ चाहेंगे आपसे, सब कुछ होगा। कोई नहीं बच सकता इससे, चाहे कोई संत है चाहे कोई परम संत है। मुझे बाबा जी महाराज की बात याद आ गई, सुना मुझे बाबा जी की बात याद आ गई। जब पद्म जी भाई जी का शादी हो गई तो सरला बहू घर आई तो मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने घर की चाबियां सरला बेटी को दे दी कि तुम मालिक हो घर के, घर को मालिक की तुम हो। तुम जब माता जी को पता चला कि हाय घर की चाबियां ले कल आई कुड़ी ते इनू फड़ाती हैं, तो पूछा आपने जे क्या कर दिया, चाबियां ओ बगानी कुड़ी दे हाथ एकदम ही दे दित्तियां, तुसी सुषमना क्यों नहीं दित्तियां, ये है साडी कुड़ी। बाबा जी महाराज कहंदे मैंने समझाया चले जाना, इसने नहीं कर लेना, ये घर हो रहा, तू किस भुलेखे च पै गई हैं, ये सरला का घर है, सरला ने इत्थे रहना, सरले साडी बहू है। बात मेरी समझ गए ना? जे बाबा जी महाराज ने आप अपनी गल सुनाई हुई है, मैंने सुनी हुई है। तो ये दुनिया तो ऐसी है, विचार और हैं, तो काल और माया हमारे पर हावी रहेगी। लेकिन अगर सिर पर गुरु है तो तुम्हें समझ लग जाएगी कुछ नहीं, होता ही रहेगा, ऐसा ही है, होने दो, क्या होता है। एक हमारी फिर आत्मा की दुनिया है, वहाँ ज्ञान आ जाता है, ज्ञान समझ, यहाँ प्रकाश होगा, तुम्हारे अंदर प्रकाश आ गया तो तुम्हें बात जल्दी समझ लग जाएगी कि ये ठीक है ये ठीक नहीं है। जो ज्ञान नहीं है तो तब तक तुम्हें ये बात निर्णय नहीं तुम कर सकते। वो है सत्संगी, सत्संगी वो है जिसको सत्य की खोज है। ऐमी नहीं कि चलो जी उत्थे जाके नाम ले सत्संगी बन गए, मैं उत्थे दा सत्संगी, मैं उत्थे दा, रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, गलत है, ये बेचाल है। सत्संगी केवल वो है जिसको सत्य की खोज है, जो सत्य की खोज में निकला है कि मुझे पता चले मैं कहाँ से आया, क्यों आया, कहाँ जाना है और क्या मैंने करना है, ये है सत्य की बात, वो है सत्संगी। तो जब प्रकाश में जाओगे तो तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। किसके बारे में? दुनिया के बारे में, दुनिया के जीने के बारे में, हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में जीने का राज क्या है, वो ज्ञान से होता है। और फिर चौथी स्टेज है आत्मिक, अपना सेल्फ ज्ञान, अपना ज्ञान, अपना बोध, आत्मबोध से ऊपर की बात है ये, वो अलग दुनिया है। और संतों का टीचा वो है, और संतों ने चारों चीज़ों को क्लियर कर दिया है। दुनिया में जियो तो ऐसे जियो, मन में जियो तो ऐसे जियो, आत्मा में जियो तो मन बुद्धि से ऊपर जाकर ज्ञान से जीवन व्यतीत करो, और फिर जब सब कुछ पूरा हो जाए फिर तुम आगे चले जाओ। क्या कहा? आखिरी लाइन पढ़ दो दोबारा फिर। नाम तेरे घट में बसे बिरज भाले नाम, राधा स्वामी की दया से, राधा स्वामी की दया से पूरा
होते, वे पूरे काम क्यों होते। अब बात को ध्यान से सुनना। बच्चा जब माँ की गोद में होता है, बताओ वो कुछ मांगता है? कुछ नहीं मांगता ना। वो टट्टी करे, पेशाब करे, भूख लगे, माँ ही सब कुछ कर दी, ख्याल कर दी कि नहीं कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि बच्चे नू हले कोई ज्ञान नहीं है। बच्चा बिल्कुल निर्लेप है, निर्मल है, उस पर कोई दुनिया की मैल नहीं आई, कोई मैल नहीं उसके ऊपर। इसलिए संतों ने लिखा, शेक्सपियर ने लिखा है, शेक्सपियर एक अंग्रेज बहुत उच्च कोटि का राइटर हुआ है, दुनिया में माना हुआ राइटर है, उसने कहा, इफ़ यू वांट टू सी गॉड इन ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, नए बच्चा जो पैदा हुआ उसमें आपको भगवान के दर्शन होंगे। क्योंकि उसमें कोई वैर नहीं है, कोई विरोध नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, वो एक निर्मल है, ठीक है ना। तो मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी भी महाराज कहा करते थे, अगर भगवान का दर्शन करना है तो 3-4 महीने के बच्चे में करो, वो तुम्हें देखकर हंसेगा, उस पर कोई वैर विरोध नहीं है, है ना। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, माँ बोल देती है, जो गुरुद्वारे वाले गुरु ग्रंथ साहब को मानने वालों के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसमें संस्कार गुरुद्वारे जाने का मिलेगा। और अगर किसी मुसलमान के घर में पैदा हुआ बच्चा, वो है तो अभी कुछ भी नहीं, लेकिन उसको फिर कहाँ जाना पड़ेगा? मस्जिद में बन गया ना वो। किसने बनाया? समाज ने बनाया उसे, दुनिया ने बनाया। और अगर कोई सनातन धर्म के घर में पैदा हुआ, हनुमान को मानने वाले हनुमान की तरफ जाएंगे, देवी को मानने वाले बच्चे उधर जाएंगे। तो माँ बाप ने हमें बनाया, तो जिसके ऊपर उस मालिक की कृपा होती है उसको माँ बाप भी ऐसे मिल जाते हैं जो किसी चक्कर में नहीं डालते। और मैं उनमें से एक हूँ कि जिसके घर में कोई पूजा पाठ नहीं होता था और केवल मालिक को मानते थे कि मालिक है। खाना बनाना, खाना खाते समय मालिक को याद करना, खाना खा लिया तो उसका शुक्र करना, बस बात खत्म हो गई। मेरी बात समझे? फिर क्यों होता है? पूर्व काम कैसे हो जाते हैं कि जब तुम उस नाम का स्मरण करते 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 शरीर मन और आत्मा से वहाँ पहुँच जाते हो, तुम किसका रूप हो जाते हो? उसका। तुम उसके बच्चे बन जाते हो, तुम्हारी सूरत उसकी हो गई। तो फिर वो पूरी की पूरी ताकत, जिसकी सूरत अंश है, वो ताकत है कुल, माल के कुल, वो कर्ता पुरुष, वो माल के अकाल पुरुष, वो अल्लाह कह लो, वो खुदा कह लो, वो राम कह लो, रहीम कह लो, जो मर्जी नाम रख लो, क्योंकि तुम उसके निर्लेप बच्चे बन जाते हो, फिर वो खुद तुम्हारा ख्याल रखता है। संतों का ख्याल कुदरत करती है, उनके सारे काम पूर्ण हो जाते, वो खुद कुछ भी नहीं करते। मेरी बात समझ गए हो? ये बात ऊँची सही है। फिर पढ़ो यही लाइन, राधा स्वामी की दया। किसकी दया हुई? राधा के स्वामी की। राधा का स्वामी कौन है? शब्द। शब्द कहाँ से आया? परम तत्व से, परम तत्व से। और वही शब्द तुम्हारे अंदर से प्रकट हुआ, तुम्हारी सुरत से प्रकट हुआ, तुम्हारी सुरत से ही, क्योंकि सुरत तुम्हारी उस माल के कुल की अंश है, जो गुण उसमें है। क्या कह रहा हूँ मैं? जो गुण उस परम तत्व में है, वही गुण उस परम तत्व की अंश में है। इससे परे मैं और क्या कहूँ? बात को पकड़ो। ए दुनिया वालों, ए नाम जपने वालों, ए नाम देने वालों, और तुम इस बात को समझो, राधा स्वामी मत जा, संस्कृत जो हमारा सनातन धर्म है उसको बदनाम ना करो, गुरु मत को बदनाम ना करो, गुरु की बात को समझो। गुरु हमारे क्या कह गए हैं, हमारे शास्त्र क्या कह गए हैं, हमारे ऋषि क्या कह गए हैं? सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे संतु निरामया, नानक तेरे पाने सर्वत का भला। और फिर क्या कहा? ख्याल कैसे रखो? शिव संकल्प मस्तु, हमेशा नेक ख्याल रखो, भले ख्याल रखो, सबका भला चाहो, तुम्हारा भला भी हो जाएगा। यही है संत मत, यही है सनातन धर्म, यही है गुरु मत। कहाँ है किसी बात का झगड़ा? कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा हमारे स्वार्थों ने किया, झगड़ा हमारे अपने निजी स्वार्थ जो उन्होंने किया। आओ हम मानवता के झंडे के नीचे आए,
इंसानियत के झंडे के नीचे आए। कोई लिख देते हैं ये हमारे क्या नाम है शांति स्थल की फ़ोटो दे देते हैं, कुछ लोग फोटो देकर उसके नीचे लिख देते हैं हिंदू टेंपल। मैंने उसको मैं लिखा प्लीज़ डोंट राइट इट एज ए हिंदू टेंपल, देयर इज न्यू हिंदू वर्ड, कोई हिंदू शब्द नहीं है। बाबा फकीर ने लिख के लिखा रहा है ना हिंदू बन ना सिख, हिंदू मुसलमान बन, इंसान बन, इंसान बन, इंसान बन। तो फिर भी नहीं छोड़ते, मानवता मंदिर को भी नहीं छोड़ते, जहाँ भी वो फेसबुक में लिख देते हैं फोटो बना के। क्या कहा मैंने, तो मैंने आज बहुत कुछ आप लोगों को कहा, पकड़ो मैंने क्या कहा, चिंतन करो। और बच्चे जो हैं नौजवान हैं उनके लिए तो ब्रह्म बनो, बढ़ो खूब बढ़ो खूब बढ़ो। मुझे कैसे बढ़ाया मेरे दाता ने, मेरी बात को समझे, मुझे मेरा जीवन कितना सुंदर बना, मैं कितनी अच्छी पोस्ट पर से गया, कहाँ से रिटायर हुआ और फिर तुम्हारी सेवा में, किसके कारण, गुरु की दया से उनकी बात को पकड़ा मैंने, जो कहा उसको माना मैंने और उसको ऊपर चलता रहा चलता रहा चलता रहा और मैं आपकी सेवा में आ गया। तो मैं बड़ा अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। मैं कभी कोई ऐसी बात नहीं कहता जिसका मैंने अनुभव नहीं किया, जा तुम्हें पीछे नहीं लगाना चाहता, ना मेरा कोई ना मेरा डेरा किसी का नहीं। बाबा फकीर तो कहते ये डेरा मेरा नहीं है, ये संगत का मानवता मंदिर है, किसी का नहीं, संगत आप लोगों का है, तुमने बनाया ये सारे, ये जो कुछ भी बनाया तुम लोगों ने बनाया, तो ये तुम्हारा है। इसलिए यहाँ आओ और यहाँ से सच्ची बात को ले जाओ और अपने जीवन को बनाओ। मेरी यही शुभकामना है, आप सब सुखी रहो और मन के झंझट से अपने आप को थोड़ा ऊपर करने की कोशिश करो, आप सुखी रहोगे, मालिक आप सबकी मनोकामना पूरी करें। मेरा बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।